भिवानी शहर की जितने भी गली चौराहे नुक्कड़ आपको दिखाई देते हैं, अधिकांश स्थानों पर दीवारों के साथ लगते देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। वो अक्सर लोग इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ गली के आसपास या गली में कोई लोग गंदगी न फैलाएं, पेशाब न करें। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है और ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। अनेकों दीवारों पर प्रतिमाएं लगी होने के बावजूद भी लोग हैं कि मानते नहीं। ये जगह जगह शहर में अनेकों स्थानों में आप लोग देख सकते हैं। इसको लेकर के फिलहाल बजरंग दल भिवानी की तरफ से पहल की गई है। उन्होंने कहा है जहाँ भी किसी भी गली में यदि देवी देवताओं की प्रतिमा उनको लगाई दिखाई देंगी तो वो उनको हटाएंगे वहाँ से और उसका विरोध भी जताएंगे। बजरंग दल के ललित की बात अगर हम माने तो उनका कहना है कि कम से कम इस तरह दीवारों पर लगा करके ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का लोग कार्य करते हैं, क्योंकि इसका कोई ये तरीका नहीं होता कि देवी देवताओं की प्रतिमा लगाने से कोई उस चीज़ का हल नहीं होता, बल्कि उनके साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जाता है। जिसको हम देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, अक्सर घरों में हम पूजा अर्चना करते हैं और वहीं देवी देवताओं की प्रतिमाएं यदि गली नुक्कड़ चौराहों पर लगा दी जाती है और उसके बावजूद भी लोग खुले में नहीं मानते हैं, अनेकों स्थानों पर ये शहर के दृश्य हैं, ये हालात हैं। बजरंग दल का कहना है कि अब बाज़ार में, भिवानी बाज़ार में उनका कहना भी है, उनकी चेतावनी भी है। उनका ये कहना है किसी भी गली में नुक्कड़ चौराहे में अगर देवी देवताओं की प्रतिमा कहीं दिखाई दी, किसी ने लगाई, तो उसका वो डटकर विरोध करेंगे और ऐसा आगे भविष्य में नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। वो कहते हैं जब हमारे पूर्वज देवी देवता के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं और उन्हीं के ऊपर लोग खुले में कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं, खुले में पेशाब करते हैं, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये दोनों तरफ से अगर हम बात धार्मिक भावना की करें, ये भी इसके साथ भी खिलवाड़ है, हमारे देवी देवताओं के साथ भी खिलवाड़ है, हमारी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बजरंग दल भिवानी पर फिर मैदान में उतर चुका है। भिवानी के अंदर हम लोग कहीं भी जो डेले लगी है भगवान की, डेले हम लोग भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ डेले हमारे भगवानों की, यहाँ नीचे देखिए आप गुटखा पड़ा हुआ है, दारू पी रखी है, ये बोतलें बियर की, यहाँ गंदगी फैल रखी है, यहाँ गंद फैल रखा है चारों तरफ। ये मूर्तियाँ लगी हमारे देवी देवताओं की, हनुमान जी की, शिव परिवार की, राधाकृष्ण सिंह जी की, और यहाँ देखिए अभी लोग ये गंदगी फैला रखी है लोगों ने यहाँ पे। भिवानी के अंदर कहीं भी हम लोग अपमान में देवी देवताओं का, जहाँ जहाँ ऐसी मूर्तियाँ लगेंगी देवी देवताओं की, तोड़ेंगे वहाँ पर जाके। भिवानी में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, तोड़ो सब। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। किसी की आस्था का नुकसान थोड़ी बताओगे आप, किसी की आस्था का नुकसान थोड़ी पहुँचाओगे आप, बंद कर दो ठीक है यार। ये मंदिर के मंत्री जी है, मंत्री तो दुकान चला आस पास मेड की, फिर कितनी हो रही आप लोगों को मंदिर में पूजा पाठ करने में सब चीज़ों के अंदर? दो साल हो गए आपको,
जैसे हमने कभी लोगों की दुकान बंद कर दो मंगलवार का, तो भीड़ आस्था आती है, लोग हिंदू आते हैं नहीं मंत्र आप लोगों की है। देख लो जी, ये मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं यहाँ के, इन्होंने कई बार ढोक लिया इन्हें, ये तब भी नहीं मानते हैं। ये लोग खेल रहे हैं हमारी आस्था जानबूझ के। इन्हें पता है हर मंगलवार को ये मंदिर हनुमान जी का, ये प्राचीन मंदिर है भिवानी का, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं हर मंगल को पूजा पाठ करते हैं हनुमान जी की, तब भी लोग जानबूझ के दुकान बंद नहीं कर रहे अपनी। ये धर्म विशेष के लोग हैं, हम सबको पता है किस धर्म के लोग हैं, ये जानबूझ के हमारी आस्था से खेलने के लिए, इन्हें पता हिंदू है ये मंगल को मंदिर में आते आते हैं, तब भी हमें भीड़ बेच रहे हैं ये। आज हम लोग यहाँ पर जाएंगे, इनसे प्यार से बात करेंगे, इन्हें समझाएंगे, बाकी फिर देखते क्या होता आगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बेचता मीट सोमवार मंगल के अलावा, ये मुसलमान है ये मीट बेचता लाली, और बाहर देखा था मैं तुम्हें, ऊपर दिखाओ इधर आओ, क्या रहा? कहीं देख लो, आलम नाम है इसका, ये आलम नाम है इसका, इसने कहीं नहीं देखा क्या लाली मीट यहाँ पे, कहीं भी देख लो बेचता ना सोमवार से शनिवार तक, मंगलवार के अलावा आराम से बोलती हूँ उसको, मीट पे दिक्कत नहीं हमें, और एक लाली मीट भाई इसके, ठीक है, एक लाली और एक मंगलवार, ठीक है, तो मंगलवार को रखते नहीं पे, देख लो है, और बाहर लिख दिया बड़ा सा लाली मीट, ठीक है भैया, कल तो नहीं लिखा गया है ना, ये रेडी यहाँ पर नहीं मिलेगी, उसको बोलते बजरंग दल से आए थे याद, बजरंग दल, ठीक है। यहाँ पे हमने मूर्ति तोड़ी है, और यहाँ पे ना कई लोग पेशाब करके जाते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर, वहाँ पे आगे, वहाँ पे, और ये हमने तोड़ दी मूर्ति। जय वाल्मीकि, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शटर ये दुकान है मीट की, हम उसने मीट काट रखा है, इसको खबर मिल गई होगी, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दुकान मिल गया, भाग के आइए, दुकान का नाम पढ़ लो आप लोग, ये दुकान है इसकी, दुकान खुली हुई थी, खबर मिल गई, हम लोग आए दुकान बंद कर दी, भिवानी के अंदर किस कहीं भी दिन मीट बेचने नहीं देंगे किसी को भी, मंगलवार को भिवानी मीट नहीं बेच सकते, भिवानी छोटी कास्ट है, धार्मिक नगरी है, ये है की साफ सफाई, ये लोगों ने मूत्र रखा है, ये कूड़ा है, इधर आ जाओ एक बार, ये हमारे देवी देवता है, यहाँ पे कूड़ा, यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है, ये कूड़ा, ये कूड़ा, ये देखो ये सारा कूड़ा इधर ले ना, ये देवी देवता हमारे, ये यहाँ पे गंदगी से किसी चीज की, ये गंदगी है, यहाँ तक देखो ये गंदगी, ये कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, ये हमारे भगवान ने टाइल लगा रखी है, ये देखो बजरंग दल भिवानी ने पहले ही बोला था, फिर रिपीट कर रहे हैं हम लोग, भिवानी के अंदर किसी भी स्थान पे जो टाइल लगी ऐसे भगवान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये सरसा हमारे देवी देवता का अपमान है, आपको साफ सफाई रखनी है, पौधे लगाओ, सफाई करो, पर हमारे देवी देवता आप नहीं लगा सकते, ये हमारे आपसे चेतावनी भी आपको, और हमसे आपसे विनती भी हम लोगों की आपकी, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो ये हमारे भगवान की टाइलें हैं, और यहाँ पे पेशाब कर रखा, मूत्र रखा है, ये देखो ये रहा बाथरूम, ये बाथरूम है इनका, जैसा घर है ये, या मंडी जो कुछ भी है, ये हमारे देवी देवता यहाँ पर है, ये सम्मान आपको टाइलों का, कई बार हम लोग पहले बोल चुके हैं देवी देवता को आप लोग सम्मान करो, ये आपके भी हमारे भी हैं, ये किसी हमारा अकेले के नहीं है, ये देखो ये रहा भुच्चर खाना इनका, ये रहा हमारे देवी देवता, भिवानी के अंदर बजरंग दल भिवानी कहीं भी टाइलें बर्दाश्त नहीं करेगा, हमने बस पहले भी आप लोगों से बोलते फिर बोल रहे हैं, हम सब तोड़ देंगे ये, और आप दोबारा हम दोबारा तोड़ देंगे इन्हें आके, हम लोग कहीं से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बजरंग दल विष्णुपुर भिवानी के अंदर ही टाइलें कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे घर हो चाहे पार्क हो, हम तो कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम।
गंदगी वाली जगह पे सफाई रखने के तरीके और भी बहुत हैं। हमारे भगवानों की फोटो टाइलेट ना लगाई जाए। हाँ जी, इसमें दिखाओ ऊपर, ये देखो, पहले एक ऊपर का अपने सर रंग पूरा कर कर दिखाओ, ये देखो, ये पानी की पीप दिखाओ, तंबाकू दिखाओ, गणेश जी, ये पीप, सिद्धि विनायक जी, ये पीप करके किसी ने, बताओ, ये देखो, गुटका, बीड़ी, भोले बाबा, भिवानी के अंदर जहाँ दूसरा स्थान है, भिवानी के अंदर एक स्थान पे मूर्ति रंगने देंगे ऐसे ही, देवी देवता को हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, देवी देवता को सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, देवी देवता को सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, भिवानी उठाने नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, भाई टूट गया, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 जहाँ भी गंदगी हो वहाँ पे कोई भी इस तरह की भगवानों की फोटो ना लगाएं। आपको साफ सफाई रखनी है, आपको साफ सफाई रखो, बस खुले में मूत करता उसको रोको, टोको नहीं तो ठोको उसको, पर भिवानी के अंदर ऐसे कहते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बजरंग दल भिवानी कहीं भी डेले बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसी। वहीं बजरंग दल का कहना है कि भिवानी में मंगलवार को मीट और जो अंडा रेडी दुकानें लगाई जाती हैं कहीं कहीं, जो कि बाहर के लोग हैं वो यहाँ की धार्मिक भावनाओं को आस्थाओं को नहीं मानते हैं, लेकिन वो अब भविष्य में ऐसा नहीं करने देंगे। मंगलवार को किसी भी रूप में किसी भी सूरत में ये जितने भी हलाला मीट की बात है या झटका मीट की कोई भी जो शॉप है मीट वगैरह की, वो मंगलवार को नहीं खुलने देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक छोटे से नए विषय के साथ, जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार।